आज का जो अपना टॉपिक है कि ये मेरे पास रेडमी का मोबाइल फ़ोन आया है, ये जो हम बता रहे हैं ये खाली रेडमी का मोबाइल फ़ोन की बात नहीं कर रहे, रेडमी का ऑल मोबाइल फ़ोन। अगर आपके पास रेडमी कंपनी का कोई भी मोबाइल फ़ोन, मतलब एमआई कंपनी का कोई भी मोबाइल फ़ोन आपके पास आ जाता है, अगर उस मोबाइल फ़ोन के अंदर आप लॉक तोड़ना चाहते हो, फ़ोन को फॉर्मेट करना चाहते हो, FRP हटाना चाहते हो, MI अकाउंट हटाना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो सारे मोबाइल फ़ोन का तरीका एक ही जैसा रहता है, सिमिलर होता है। सबसे पहली बात, जैसे मेरे पास रेडमी कंपनी का फ़ोन आया बनने के लिए, रेडमी कंपनी छोड़ो, कोई भी चाइनीज़ कंपनी का मोबाइल फ़ोन आता है और कस्टमर कहता है कि ये मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, इस मोबाइल फ़ोन में लॉक लगा है, पासवर्ड लगा है, पासवर्ड हम भूल गए, इस पासवर्ड को हम लोग कैसे तोड़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम आज वीडियो में हम आपको बताएंगे। सबसे पहली बात, ये रेडमी का जैसे 4A मोबाइल फ़ोन है, इस 4A मोबाइल फ़ोन को ठीक करने के लिए सबसे पहला काम, प्राइमरी काम ये करना पड़ता है कि हमको मोबाइल फ़ोन में इसमें CPU पता करना पड़ता है। CPU पता करना पड़ता है कि इसके अंदर कंपनी ने कौन से कंपनी का CPU लगाया है, ताकि CPU लगाने से हमको ये आइडिया हो जाता है कि हमको मोबाइल फ़ोन में करना क्या है, हमको कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना है, कौन सा टूल इस्तेमाल करना है, उसका तरीका क्या होगा, ये सारा सब कुछ CPU पे ही डिपेंड करता है। अब यहाँ पर जाने के बाद आपने टाइप कर दिया Redmi 4A CPU टाइप, मतलब CPU के बारे में पता करना। CPU या तो यहाँ से पता कर सकते हो, अगर आप यहाँ से नहीं पता कर सकते तो मोबाइल फ़ोन में GSM अरीना से पता कर सकते हो, ठीक है। कोई चीज़ ना समझ में आए तो बीच में रोक करके पूछ भी लेना आप लोग, ठीक है। तो आपने जैसे यहाँ पर पता किया तो इसके अंदर कौन सा CPU लगा है, क्वालिकॉम कंपनी का CPU लगा है। तो जब इसमें क्वालिकॉम कंपनी का CPU लगा है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको, क्वालिकॉम कंपनी के CPU के लिए EDL पॉइंट होता है, क्या होता है, EDL पॉइंट होता है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस मोबाइल फोन में Redmi 4A का EDL पॉइंट भी पता करना पड़ेगा। Redmi 4A EDL पॉइंट, जैसे Redmi 4A EDL पॉइंट आप लिख करके डालेंगे तो इसमें फोटो ये खुल करके आ रही है कि जहां पर ऑन ऑफ स्विच का बटन है वहीं पर दो पिनों को आपस में शॉर्ट करने को बोल रहा है, ये दिख रहा ना, यहाँ पर ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है, ये ऑन ऑफ के बटन पे ही दो पिनों को आपस में शॉर्ट करने को बोल रहा है कि ऑन ऑफ के बटन में दो पिन को शॉर्ट कर दीजिए, बस आपका मोबाइल फोन क्या हो जाएगा, मतलब कनेक्ट हो जाएगा। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मोबाइल फोन खोलेंगे, मोबाइल फोन खोलने के बाद अपने माई कंप्यूटर में जाएंगे, माई कंप्यूटर में राइट क्लिक करेंगे, तो राइट क्लिक करेंगे तो मैनेज में जाएंगे। मैनेज में इसलिए जाएंगे ताकि आप देखेंगे कि आपका मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर से कनेक्ट होगा कि नहीं होगा। जब तक आपका मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं होगा तब तक आप किसी भी मोबाइल फ़ोन में लॉक खोल ही नहीं सकते, असंभव काम है, ठीक है। डिवाइस मैनेजर में चले गए, अब हम लोग मोबाइल फ़ोन को क्या करेंगे, खोलेंगे। सबसे पहले बात, हमको प्राइमरी काम करना पड़ेगा कि हमको इस मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ करना पड़ेगा। जब मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर देंगे तो पीछे से इसका ढक्कन खोलना पड़ेगा, क्योंकि EDL पॉइंट ऑन ऑफ के पीछे ढका हुआ है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका ढक्कन खोलना पड़ेगा। हमको स्क्रू ड्राइवर दीजिए जरा, स्क्रू ड्राइवर से हम लोग क्या करेंगे, इसके जितने सारे पेचकस हैं सारे पेचकस को ओपन कर लेंगे। सारे पेचकस को इसलिए ओपन कर लेंगे ताकि हमको EDL पॉइंट को क्या करना है,
कहाँ जा रहे हो तुम? इस मोबाइल फ़ोन को बैटरी हटा देंगे, बैटरी हटाने के बाद बंद करेंगे, बंद करने के बाद फिर इसके दोनों ईडियल पॉइंट, इन दोनों पॉइंटों को शॉर्ट करेंगे। चिमटी लेंगे, इधर आइए सर, पास में दिखाइए। हम लोग क्या करेंगे, डाटा केबल लेंगे। जैसे हम इसको चिमटी से शॉर्ट करके जब इसमें डाटा केबल इंसर्ट करेंगे तो वहाँ पर देखना पोर्ट बनाएगा। क्या बनाएगा? पोर्ट बनाएगा। आप लोग देखिएगा, हम लोग को क्या करना है, पहले इसकी डाटा केबल से इसके दोनों पिन को शॉर्ट करना है। ऐसे चिमटी से दोनों पॉइंट को शॉर्ट किया, दोनों पॉइंट को शॉर्ट करने के बाद हमने क्या किया, इसमें डाटा केबल लगाया। पोर्ट नहीं बनाया, हो सकता है हमने सही से टच ना किया हो। फिर से हमने दोनों पिन को शॉर्ट किया, कनेक्ट हो गया। अब ये हमारा मोबाइल फोन अगर आप देखेंगे कंप्यूटर से कनेक्ट हो गया है। कंप्यूटर से इसका पोर्ट बनाया, क्वालिकॉम COM9। पोर्ट नंबर कितना बनाया? COM9। तो हम लोग क्या करेंगे, इसने 9 नंबर इसको दिया है। पोर्ट नंबर कितना दिया है? 9 दिया है, 9 नंबर पोर्ट दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मिनिमाइज करेंगे। क्या करेंगे? मिनिमाइज करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे ये क्वालिकॉम का सॉफ्टवेयर है। इस क्वालिकॉम को सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या करेंगे, खोलेंगे। जैसे क्वालिकॉम का सॉफ्टवेयर खोलेंगे तो आपके स्क्रीन में क्वालिकॉम का सॉफ्टवेयर खुल करके आ जाएगा। जब क्वालिकॉम का सॉफ्टवेयर खुल जाएगा तो उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इस मोबाइल फ़ोन को इसके माध्यम से फॉर्मेट करेंगे। क्या करेंगे? मोबाइल फ़ोन को इसके माध्यम से फॉर्मेट करेंगे। जैसे आप मोबाइल फ़ोन को फॉर्मेट करेंगे तो फॉर्मेट करने से आपके मोबाइल फ़ोन का लॉक क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, पूरा मोबाइल फ़ोन खाली हो जाएगा। सॉफ्टवेयर ओपन होने में थोड़ा समय लगता है। ये देखिए सॉफ्टवेयर खुल गया। सॉफ्टवेयर खोलने के बाद आपको रीड एंड टूल में जाना है। कहाँ पर जाना है? MI के मोबाइल फ़ोन को मैंने आपको पहले समझाया था, कोई मॉडल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप जेनरिक क्वालिकॉम एनी मॉडल को रहने दीजिए, बस यहाँ पर जाइए और यहाँ पर जाने के बाद फॉर्मेट FS पे सिलेक्ट करिए। उसके बाद क्या करिए, एग्जीक्यूट कर दीजिए। जैसे एग्जीक्यूट करेंगे तो बोलेगा डू यू वॉन्ट टू सेव मोड फॉर्मेट, आप फ़ोन को फॉर्मेट करना चाहते हैं, यस कर दीजिए। यह फॉर्मेटिंग इसमें चालू हो जाएगी। जब फॉर्मेटिंग चालू हो जाएगी तो देखिए यहाँ पर आपका सॉफ्टवेयर लिखा, ये लिखा COM9, लिखा है ना। COM9 लिखने का मतलब है इसने हमारे मोबाइल फ़ोन को ही पकड़ा। उसके बाद यहाँ पर आता है बूट लोडर ओके है, सेंडिंग डन। अब देखो यहाँ पर डिटेक्टिंग चिप, डिटेक्टिंग चिप का मतलब होता है ये हमारे MMC IC को पकड़ रहा है। किसको पकड़ रहा है? देखो MMC लिखा है, 16 GB पकड़ लिया। Redmi 4A सेफ मोड यूजर डाटा फॉर्मेट डन, मतलब इसने मोबाइल फ़ोन को फॉर्मेट कर दिया। आप कहता है वुड यू लाइक टू रीसेट FRP, आप मोबाइल फ़ोन में FRP भी तोड़ना चाहते हैं, तो आप यस कर दीजिए, FRP भी तोड़ देगा। ठीक है, फिनिश डन, आपके मोबाइल फ़ोन में लॉक खुल गया। इतना प्रोसेस करना होता है। बिल्कुल बिल्कुल, जब आपके मोबाइल फ़ोन में FRP लगा होगा तभी ये बोलेगा कि मोबाइल फ़ोन में FRP लगा है, आप तोड़ना चाहते हैं। अगर नहीं लगा तब भी ये बोलता है कि आप FRP तोड़ना चाहते हैं कि नहीं तोड़ना चाहते, क्योंकि हो सकता है कि उसमें लॉक लगा हो तो अपना तोड़ देगा, नहीं लगा तो छोड़ देगा। तो इस तरीके से मोबाइल फ़ोन, इसके माध्यम से आप MI कंपनी का कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है जिसके अंदर क्वालिकॉम CPU लगा है, उस मोबाइल फ़ोन को इस तरीके से लॉक खोल सकते हैं। बस इतना काम करना होता है, चाहे रेडमी का 4A है, 5A है, 6A है, 10A है, 8A है, 8 है, रेडमी 8 है, 7 है, नोट 7 है, 6 Pro, कुछ भी मॉडल है, बस सीधे फ़ोन को ईडियल पॉइंट से कनेक्ट कराना है और फ़ोन को फॉर्मेट कर देना है, फॉर्मेट हो जाएगा। जब फ़ोन फॉर्मेट हो जाएगा आप देखेंगे आपका मोबाइल फ़ोन चालू हो चुका होगा। ये मोबाइल फ़ोन चालू हो रहा है। चालू होने में जब पहली बार मोबाइल फ़ोन चालू होता है थोड़ा समय लगता है, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट तक का समय लगता है, डिपेंड करता है फ़ोन के ऊपर। एक बात का आप लोग ध्यान रखेंगे कि जब भी आप मोबाइल फ़ोन को फॉर्मेट करेंगे तो फॉर्मेट करते समय इस बात का ये ध्यान रखेंगे कि आपके मोबाइल फ़ोन की जो बैटरी है कम से कम 30% चार्ज होनी चाहिए, क्योंकि अगर डाउन मोबाइल फ़ोन में फॉर्मेट कर देंगे तो फिर कल को प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकती है। क्या हो सकती है? प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि आप मोबाइल फ़ोन को जब भी फॉर्मेट करेंगे तो उसकी बैटरी कम से कम 30% बैटरी चार्ज होनी चाहिए। तो आज के दोस्तों, आज की वीडियो में जो हम लोगों ने सीखा है, तो हमने क्या सीखा है, कोई भी क्वालिकॉम CPU का मोबाइल फ़ोन आता है और रेडमी कंपनी का कोई भी मोबाइल फ़ोन हो तो आप इसको, इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं करने की ज़रूरत है, सिर्फ जेनरिक क्वालिकॉम एनी मॉडल फॉर्मेट FS एग्जीक्यूट कर देंगे, फ़ोन फॉर्मेट हो जाएगा। जितने भी रेडमी के फ़ोन आते हैं क्वालिकॉम CPU लगा होता है, उसका यही तरीका होता है। अदर फ़ोन आ जाएंगे तो अदर फ़ोन में बस खाली ये करना होता है कि यहाँ से मॉडल आपको चेंज करना होता है।
जो भी मॉडल आ जाए वो मॉडल लें, जैसे वीवो आ गया तो वीवो लेना पड़ेगा, फिर वीवो के बाद कौन सा मॉडल आता है वो आपको लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद यहाँ पर जाकर के वीवो को सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। यदि सिर्फ वीवो में ही वीवो FS2 को लेना पड़ता है और बाकी सब में फॉर्मेट FS से ही काम हो जाता है 100% तरीके से। ठीक होने के बाद उसको चालू होने में मैंने आपको बताया 2 से लेकर के 4-5 मिनट तक का समय लगता है। तो ये दोस्तों मैंने वीडियो आपको क्लास में इसलिए बनाया है ताकि आपके पास कभी भी कोई भी मोबाइल फ़ोन आएगा अगर उसके अंदर क्वालिकॉम CPU लगा है तो इसी तरीके से आप क्या करेंगे, रूल्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, ये नहीं कि पहले सॉफ्टवेयर कर देंगे फ़ोन कनेक्ट करा के देख ही नहीं रहे, फ़ोन को पहले कनेक्ट करा करके देखना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि जब तक मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट करा करके नहीं देखोगे तब तक आपका मोबाइल फ़ोन फॉर्मेट नहीं होगा, लॉक नहीं खुलेगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। हाँ, कई बार ऐसा होता है फ़ोन पोर्ट नहीं बनाता, तो पोर्ट ना बनाने के दो रीज़न, पहला रीज़न होता है मोबाइल फ़ोन का या तो USB ख़राब हो, पत्ता ख़राब हो, EDL पॉइंट कनेक्ट ना हो पा रहा हो, तीसरा कारण आपके कंप्यूटर के अंदर ड्राइवर ना हो। क्या ना हो? अगर ड्राइवर नहीं होगा तब भी पोर्ट नहीं बनाएगा। वो सपोर्ट इसलिए नहीं करता क्योंकि उसका ड्राइवर नहीं होता। उसमें कई बार अगर आप देखेंगे तो जब फ़ोन कनेक्ट होता है तो उसमें येलो कलर का ट्रायंगल बन के आने लगता है। जब आप फ़ोन कनेक्ट करते हैं या डिवाइस मैनेजर में कनेक्ट करते हैं तो ये ऐसा सिंबल बन के आने लगता है, पीले कलर का निशान बन के आने लगता है। तो ये पीले कलर का निशान का मतलब होता है जो आपने ड्राइवर इंस्टॉल किया है वो क्वालिकॉम का ड्राइवर सही नहीं है, वो प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल नहीं है। और जब तक ड्राइवर नहीं सही इंस्टॉल होगा तब तक कंप्यूटर नहीं कनेक्ट करेगा, जब तक कंप्यूटर नहीं कनेक्ट करेगा तो सॉफ्टवेयर फॉर्मेट नहीं करेगा। ठीक है, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। अगर यहाँ पर येलो कलर का ट्रायंगल बन के आ रहा है तो ड्राइवर का प्रॉब्लम है, फ़ोन कनेक्ट नहीं हो रहा है तो पोर्ट का प्रॉब्लम है, अगर पोर्ट नहीं बना रहा, बूटिंग नहीं ले रहा है तो उसका EDL पॉइंट भी ख़राब हो जाता, तब भी बूटिंग नहीं बनाता, तब भी ऐसी प्रॉब्लम आती है। ये को चालू होने में 1-2 मिनट का समय लगेगा। हम आपको मिलाते हैं कि हमारे पास और भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस समय पर क्लास कर रहे हैं, जिन लोगों का सॉफ्टवेयर का बैच चला है, जो इस टाइम पर प्रेजेंट टाइम पर सॉफ्टवेयर कर रहे हैं, और एक बैच में कम से कम 8 से 10 या 12 स्टूडेंट्स होते हैं जो लोग मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर का रिपेयरिंग का पूरा क्लास सीखते हैं। तो आपको मैं एक एक करके सारे स्टूडेंट से मिलाता हूँ ताकि आप लोगों को रिव्यू देंगे कितना वो सारा सब कुछ सीख चुके हैं और कितना दिन क्लास करते करते हो गया, ताकि और भी लोग ऐसे हैं जो लोग अगर इससे संबंधित अगर पूरा ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। एक एक करके सर आप लोग बता दीजिए कितना टाइम हो गया आपको सीखते। नमस्कार सभी दोस्तों को, मुझे अभी 10 दिन हुआ है मात्र सीखते सीखते, मैं यहाँ पे आया 10 दिन हो गया थे, मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है इसलिए मैं सर को धन्यवाद करना चाहता हूँ। नाम क्या है सर अपना? मेरा नाम सर विपिन कुमार है। विपिन जी कहाँ से हैं आप? मैं कानपुर देहात से रहने वाला हूँ सर। कानपुर देहात, गाँव बताइए। राजपुर। यस सर। कितने दिन हो गए अभी आपको? सर मुझे एक्चुअली 10 दिन हुआ अभी। 10 दिन क्या क्या सीखा आपने? सर मुझे सॉफ्टवेयर के बारे में कि कैसे फॉर्मेट करना है और उसको हार्डवेयर के बारे में पढ़ाया गया है, इस सब बारे में जानकारी दी गई है। चलिए थैंक यू सर। चलिए दूसरे आते हैं हमारे। हेलो पटेल जी, क्या नाम है अपना? दीपक सचान। अरे पटेल जी खड़े हुआ करो कभी कभी भाई, आप बताइए। दीपक सचान नाम है मेरा। बड़ी सचान जी कहाँ से हैं आप? हम कोच से हैं, जिला जालौन। जिला जालौन और के पास। कितने दिन हुए सर ज्वाइन किया आपको? 10-12 दिन हो गए। 10-12 दिन। आपको कैसे पता चला इंस्टीट्यूट के बारे में? हमारा एक दोस्त था, वो कानपुर आता रहता था, उसने बताया था, फिर यूट्यूब में भी हमने देख लिया था जी, तो हम आ रहे थे फिर यहाँ पर। अच्छा, तो क्या क्या हो गया सर आपका? सॉफ्टवेयर हो गया, हार्डवेयर है, अभी जो सर बताया था लॉक खोलना अभी ठीक है, 10 दिन हुए अभी और जान सीखेंगे धीरे धीरे। अच्छा, 10 दिन छुट्टियाँ भी कितनी मारी तुमने? छुट्टियाँ 4-5 मार दी। 4-5 छुट्टियाँ मार दी, 5 दिन क्लास किया तुमने। मज़ा आ रहा है आपको? हाँ मज़ा आ रहा है। आनंद आ रहा है? मज़ा आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। बताएं सर क्या नाम है अपना? सर मेरा नाम रोहित कुमार है। रोहित जी? सर रोहित जी कहाँ से हैं? हम सर फतेहपुर से हैं। आप इनको पिछली वीडियो में देखा होगा रोहित जी को, और भी स्पेशल रोहित जी की वीडियो पढ़ी है, हम आपको रोहित जी से प्रॉपर मिलाते रहेंगे क्योंकि ये हमारे एक बहुत ही अच्छे और खास स्टूडेंट है। तो बताइए रोहित जी कितने दिन हो गए आपको?
अभी सर मेरा 15 दिन हो गया, काफ़ी नॉलेज हो गया सर मुझे, कुछ रांगा पकड़ना नहीं आता था। रांगा पकड़ना नहीं आता, कैया कैया सर, सॉरी इसके जी सर। जी सर नहीं सर, अब अच्छे से आने लगा है। जी सर ये हो गया 15 दिन में काफ़ी नॉलेज हो गया सर। जी सर जी सर, ठीक है चलिए, देखिए आपके सामने वो देख रहे हैं आपके सेंसा जी। जी सर, ये हमारे हमीरपुर से हैं, महोबा से हैं सेंसा जी। जी सर, अभी सेंसा जी कितने दिन हुए, नाम अपना पूरा नाम बताइए। मेरा नाम सेंसा है, महोबा डिस्ट्रिक्ट से खरेला कस्बा से हूँ। अच्छा, और आज मुझे तीसरा दिन है। तीसरा दिन है आपका, चलिए तीसरे दिन में क्या क्या सीखे सर? हाँ, सॉफ्टवेयर ऑपरेटर के बारे में नॉलेज है, जो मतलब सप्लाई अप्लाई डायग्राम वायग्राम वगैरह से थोड़ा बहुत नॉलेज मिल गया है। क्लास करने में कैसा लग रहा है सर आपको? जी सर बहुत अच्छा लग रहा है। और जो साथी आपके देख रहे हैं, इनके लिए कोई आप जानकारी सूचना देना चाहेंगे? जी जानकारी आए और देखें, ट्रायल लें, बहुत अच्छा है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें सीखने की, और अब बहुत डीपली बताया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बताया जा रहा है। आपको समझ में आ रहा है? जी जी सर जी। ठीक है चलिए, आपके पीछे बिहार से हैं हमारे अमित जी भी यार आइए, वो सॉफ्टवेयर का काम कर रहा है बहुत डीपली। अमित जी भी यार थोड़ा सुनते नहीं है क्योंकि उनको वीडियो में आने में डर लगता है। आइए अमित जी जल्दी से, सॉफ्टवेयर का कोई काम कर रहे हैं। चलिए तब तक इनसे मिल लेते हैं। ये हमारे क्या नाम है सर अपना? मेरा नाम अरविंद कुमार सर, मैं यहीं कानपुर नगर का रहने वाला हूँ। जी जी। और सर कानपुर से ही है, थोड़ा बहुत दूर से ही? हाँ थोड़ा दूर से आते हैं, 35 किलोमीटर दूर है यहाँ से, तो गांव है। हाँ गांव है, तो वहीं से आते हैं। इसके पहले क्या करते थे? आलोक जी है ना? नहीं अरविंद कुमार। इसके पहले क्या करते थे सर? इसके पहले हम कंपटीशन की तैयारी करते थे, तो मतलब ये थोड़ा ओवर हो रहा था, तो हमने कहा चलो कुछ स्किल डाल लें अपने। ये ओवर नहीं होगी, ये सीखने के लिए कोई ओवर एज नहीं होती है। हाँ तो हाथ का हुनर है ये जी, इस वजह से दिन क्लास करते करते हमें 10-12 दिन हो गए करीब। हाँ 21 तारीख को आया था 21 मार्च को। हाँ काफ़ी कुछ सीख गए, फारपी बाईपास है, क्लासिंग है, और सॉफ्टवेयर में काफ़ी कुछ सीख चुके हैं हम। हार्डवेयर भी दोनों साथ में? हाँ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों साथ में चलता है सर। क्लास कितने घंटे क्लास करते हैं हम? क्लास तो मतलब आज इन्हें आते 9 बजे आ जाते हैं यहाँ पे और 6 बजे तक जाते हैं। आगे का एम क्या है, सीखने के बाद एम क्या है, लक्ष्य क्या है? वही सब वगैरह डालेंगे, कहीं ठीक ठाक जगह देखते बिल्कुल बिल्कुल। जितने सारे लोग होते हैं सभी लोगों का क्या होता है, जब अपना कुछ काम करते रहते हैं, काम करते करते के बाद कुछ हासिल नहीं हो पाता, तो एक ही एम होता है, चलिए ठीक है कुछ अपना बिजनेस किया जाए। और अपना काम करने के लिए या फील्ड में जॉब करने के लिए या प्राइवेट सेक्टर में काम करने के लिए आदमी के पास कुछ ना कुछ एक हुनर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हुनर ही उसको आगे तक ले जाता है। और आदमी जब सारे काम करते करते कहीं ना कहीं फेल होता है, तो उसका हुनर ही उसको तरक्की के रास्ते पर आगे की तरफ ले जाता है। और सर मैं आपको मिलाता हूँ हमारे यहाँ के सबसे जो बहुत दूर के स्टूडेंट हैं, जो गोवा के रहने वाले हैं, और गोवा बहुत अच्छी शहर में आता है कि जहाँ अगर कोई भी आदमी अगर सबसे अगर नाम भी ले लेता है कि भाई गोवा घूमने जाना है, तो उसके दिमाग में एक ही आता है कि क्या देखने जाना है ना। तो सर आप बताइए जरा, गोवा के लोग वैसे ही बड़े रंगीन मिजाज के लोग होते हैं। सर मैं गोवा से हूँ, मेरा नाम हरीश है। सर का एक सॉफ्टवेयर वीडियो देखा था मैंने यूट्यूब पे, तो उसी से प्रभावित होकर मैं आ गया। और सबसे मेरे लाइफ में जो अच्छे सर हैं वो अमित अपने राघवेंद्र सर हैं, क्योंकि वो कुछ छुपाते नहीं हैं, मतलब सिखाने के टाइम वो पूरा मतलब पूरा समझाते हैं, इसलिए वो मेरे बेस्ट सर हैं अभी तक के, और मैं पूरा सीख के ही जाऊँगा। अभी वो सॉफ्टवेयर सिखा रहे हैं, और हमारे मोहित सर तो एकदम फर्स्ट क्लास है, और आप भी अच्छे हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है सीखने में, आनंद आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। कितने घंटे क्लास करते हैं निर्मल? हम 8 घंटे काम कर रहे हैं। और सर कितने साल से आपने मोबाइल फोन रिपेयरिंग की शॉप है? मैं बहुत मेरी तो 15-17 साल 15-17 साल से मोबाइल फोन की शॉप है। और मैं जो ऐसे लोग हैं जिनकी मोबाइल फोन की शॉप 10-12-15-20 साल से मोबाइल फोन की शॉप है आज चला रहे हैं, लेकिन उनके पास काम अच्छा आता है लेकिन वो कर नहीं पाते, और उनका सबसे बड़ा इशू ये रहता है कि उन्होंने एक अच्छी ट्रेनिंग नहीं ली है, मतलब उन्होंने एक अच्छा काम नहीं सीखा है, या उन्होंने लाइफ में करते करते अपने मन से यूं ही जितना नॉलेज था उतना नॉलेज ले लिया, कहीं यूट्यूब से कहीं कुछ लेकिन उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है।
अगर YouTube में अगर आप देखेंगे तो दुनिया जानकर सब चीज़ का नॉलेज पड़ा हुआ है, लेकिन वो सारा नॉलेज तभी आपको समझ में आएगा जब आपको कोई ट्रेनर सिखाएगा, आपको कोई टीचर सिखाएगा। क्योंकि टीचर क्या होता है, आपको एक एक करके गाइड करता है, आपको एक एक चीज़ के बारे में समझाता है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि दुनिया जान में अगर आदमी को कोई भी चीज़ पढ़ाने वाला होता है तो बहुत सारी किताबें बनी हैं जो आजकल किताबों से पढ़ करके भी पढ़ा जा सकता है, सीखा जा सकता है। क्योंकि अगर स्कूल में आप जाएंगे तो कोई भी ऐसा मास्टर, कोई भी ऐसा टीचर या कोई भी ऐसा प्रधानाचार्य, कोई भी ऐसा स्कूल नहीं बना जो आपको सब कुछ पढ़ा सके, वो आपको बुक्स ही देता है। लेकिन जो टीचर होते हैं उनका काम क्या होता है कि जो हमारी कमी होती है उस कमी को दूर करें, क्या करें, हमारी कमी को दूर करें। ऐसी आज तक जिंदगी में कोई भी किताब नहीं बनी है जो हमारी कमी को दूर कर सके। हमारी कमी को हमारा सामने वाला जो एक्सपर्ट होता है, हमारा जो ट्रेनर होता है, हमारा जो टीचर होता है या हमारे गुरु उस्ताद होते हैं, वही हमारी कमी को क्या करते हैं, दूर करते हैं। जब हमारी कमी को दूर कर देते हैं तो हमारे अंदर सारी चीज़ें सही सही की नॉलेज हो जाती है और हम लोग फिल्टर हो जाते हैं और हम एक बेहतर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सर, आपको अगर सीखना है तो यहाँ ही आना पड़ेगा इंस्टीट्यूट में, ऑनलाइन क्लास भी कुछ फ़ायदा नहीं है। तो इस चीज़ के लिए मैं ऑनलाइन, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो कहीं ऑनलाइन सीख भी रहे हैं या ऑनलाइन सीखना भी चाहते हैं, तो मैं उनको यही बात प्रेफर करता हूँ कि अगर आप आ करके सीखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि इसमें काम टोटली हैंड स्किल का होता है और हैंड स्किल ऐसी चीज़ होती है जो कभी भी देख कर नहीं होता, वरना देख करके तो आदमी यूट्यूब में तो फोर व्हीलर चलाना भी सीख जाता है लेकिन चला थोड़ी ना पाता है, चलाएगा तो तभी। वरना आदमी दसियों बार किसी गाड़ी में, किसी के साथ में, दोस्त के साथ में, भाई के साथ में चलता है, लेकिन गाड़ी चलाने के लिए उसको खुद ना खुद स्टेयरिंग पे बैठना होता है, खुद चलाना होता है। जब खुद चलाएगा तभी सीख पाएगा। तो मैं आगे मिलाता हूँ अपने स्टूडेंट से। सर आप बताइए। सर मेरा नाम राकेश कुमार है, मैं एमपी से हूँ, डिस्ट्रिक्ट पन्ना से। सर मुझे आए यहाँ पर लगभग 20 दिन हो गए। 20 दिन में मैंने बहुत कुछ सीखा है, सर ने बहुत कुछ सिखाया है मुझे भी। पहले मतलब मैंने कभी अपने हाथ में कहीं नहीं पकड़ा था, पर मैंने सर का वीडियो देखा, मुझे बहुत चॉइस थी कि मैं मोबाइल रिपेयरिंग का काम करूं और अच्छा लगता था, तो मैंने सर का वीडियो पहले से देखता था, एक हफ्ते पहले से। तो मुझे लगा कि सर बहुत अच्छे सिखाते हैं कानपुर में, तो मैं वीडियो देख कर आया और देखा। तो जब यहाँ पर आया तो मैंने काम सीखा और काम में हम 15-20 दिन में अभी बहुत कुछ सीख लिया हूँ, कॉम्बो भी, स्पीकर, माइक, रिंगर भी, हार्डवेयर का काम, और सॉफ्टवेयर में भी सर ने बहुत सिखाया है अभी, फ्लैशिंग के बारे में, डोंगल के बारे में, FRP कैसे, FRP बाईपास करना, ये सब सर सिखाते हैं। ये मोबाइल फ़ोन पूरा डेड मोबाइल फ़ोन था, इसका काम्बो खराब था, इसका डिस्प्ले के फिल्टर भी खराब थे, उसको भी हम लोगों ने जंपर मार कर रिपेयर किया, इन्होंने सर ने काम्बो भी डाला, फिर इस मोबाइल फ़ोन में लॉक लगा था। आज देखिए इस मोबाइल फ़ोन का लॉक भी खुल गया है, हम लोगों ने इस मोबाइल फ़ोन का लॉक भी तोड़ा है, देखिए लॉक खुल गया है ना, इस मोबाइल फ़ोन का लॉक खुल चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा आगे जाएंगे और जो इसमें इंग्लिश हिंदी जो सेट करने के लिए बोलता है उसको हम लोग क्या करेंगे, पूरा स्टेप बाई स्टेप सेट करेंगे। ऐसे जो भी सारे जो लोग होते हैं, जो लोग बच्चे लोग होते हैं जो मोबाइल फ़ोन को रिपेयर अपने लाते हैं मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग करने के लिए, तो एक एक करके उनको ऐसे लोग ट्रेनिंग देते हैं, क्लास में सीखते हैं। जब क्लास में बहुत सारा मोबाइल फ़ोन होता है तो सीखने में उनको मदद भी मिलती है, सीखने में आसानी भी रहती है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग सीखने के लिए प्रैक्टिकल के लिए फ़ोन का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर सबसे अच्छा प्रैक्टिकल, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल मिलने का सबसे बड़ा कारण ये रहता है कि यहाँ पर सागर मार्केट है। सागर मार्केट या मोबाइल फ़ोन की सबसे बड़ी मार्केट है, जहाँ पर दुनिया जान के लोग मोबाइल फ़ोन ठीक कराने के लिए आते हैं। अगर उनके मोबाइल फ़ोन के अंदर कोई भी ख़राबी हो जाती है, कोई भी दिक्कत आती है, तो यहीं आते हैं मार्केट में सेट कराने, मोबाइल फ़ोन को ठीक कराने के लिए। तो हम लोगों को यहाँ पर चालू मोबाइल फ़ोन में काम करने का मौका मिलता है और सीखने के चांसेज हमारे ज़्यादा हो जाते हैं और जल्दी से जल्दी हम लोग ट्रेनिंग को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो देखिए पूरा सेटअप फाइनल हो रहा है, फाइनल सेटअप होने के बाद तब आगे काम होगा। तो मैं और भी स्टूडेंट है जो मिलाता हूँ, जो वो भी लोग क्लास कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के बारे में। सर आप रह गए हैं तो आप भी बता दीजिए अपने बारे में। लीजिए सर बताइए। मेरा नाम दुर्गेश कुमार त्रिपाठी है, मैं गोरखपुर से हूँ और मैं पिछले 15 दिनों से यहाँ पर हूँ। अच्छा है यहाँ पे, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के अच्छे क्लासेस दिए जा रहे हैं
आप लोग भी एक बार यहाँ पे आके क्लास का डेमो देखिए, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आएगा। तो सर भी पहले जॉब करते थे, बहुत सारी फील्ड में जॉब कर चुके हैं, बहुत सारी फील्ड में बहुत अच्छा पैसा कमाया, बहुत अर्निंग किया, बहुत सारा काम किया, लेकिन बाद में फाइनली सर ने डिसाइड किया क्यों ना भाई हम एक ऐसा अपने हाथ में स्किल ले लें और कोई भी हमारा छोटा मोटा बिजनेस हो लेकिन हमारा खुद का ही हो, हमको सारी परेशानियों से दूर होकर आराम से बैठ करके तसल्ली से काम करें। देखिए इस मोबाइल फ़ोन का लॉक खुल चुका है, अगर आप लोग देखेंगे तो ये पूरा मोबाइल फ़ोन का लॉक खुल गया है, पूरा मोबाइल फ़ोन हमारा चलने लगा है। तो इस तरीके से हमने आपको जो बताया है, जितने भी Redmi कंपनी के मोबाइल फ़ोन आते हैं तो सभी Redmi कंपनी के मोबाइल फ़ोन को आप इस तरीके से आसानी से लॉक को खोल सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप वीडियो को पूरा देखें, समझें, और अगर इससे संबंधित कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और ट्रेनिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, आज हम लोगों ने Redmi 4A के मोबाइल फ़ोन में कैसे लॉक खोला जाएगा, FRP कैसे हटाया जाएगा, उसके बारे में हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप सीखा है। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू दोस्तों।